कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रेम बीजेपी में शामिल, मंच पर सीएम मोहन यादव के छुए पैर, जानिए क्या कहा। बीजेपी के कुनवे में एक और सदस्य का विस्तार हो गया है। सागर में इकलौती कांग्रेस विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने बीजेपी का पटका पहना। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सागर से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने बीजेपी का पटका पहना। राहतगढ़ की सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री गोविंद राजपूत ने निर्मला सप्रे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निर्मला सप्रे ने बिना आरक्षित सीट से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेश राय को हराया था। उन्होंने सभा में मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर मंच से जय श्री राम के नारे लगे। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक शैलेंद्र जैन और पूर्व विधायक पारुल साहू सहित अनेक नेता मंच पर मौजूद रहे। इकलौती कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद निर्मला सप्रे ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए बिना विधायक क्षेत्र का विकास कार्य रुक गया था। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर क्षेत्र का विकास कराना चाहती हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की विकास नीति को सराहा। निर्मला सप्रे ने कहा कि एहसास होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की थी मुलाकात। बताया जा रहा है कि कांग्रेस एमएलए निर्मला सप्रे पिछले कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में थी। उन्होंने मंत्री गोविंद राजपूत और जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया से चर्चा की। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मुलाकात चर्चा में रही। अनुमान लगाया गया था कि राहतगढ़ की सभा में कांग्रेस विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से अभी तक सागर जिले के दो पूर्व कांग्रेस विधायक अरुणोदय चौबे और पारो साहू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े और कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला के बीच सागर में मुख्य मुलाकात है। सागर लोकसभा की 8 विधानसभा में से सिर्फ बीना सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी के कद्दावर विधायक हैं। अब इकलौती विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने से सागर में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है। मतदान से एन पहले दल बदल ने कांग्रेस को झकझोर दिया है।